तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का जॉब वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो प्रैक्टिकल मैं आपको बताना हूं किस तरीके से आप 3000 रुपीज पर डे का कमा सकते हैं इंडिया में। देखो दोस्त, मैंने क्या किया था, पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू अर्न 3000 रुपीज पर डे इन इंडिया। तो मैंने ये इसमें पूछा था कि दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिकल देखना है किस तरीके से आप कमाएंगे, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों को कमेंट आया इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए दोस्त, आपको फेसबुक पर आना है। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि फेसबुक आउटडेटेड हो गया, लेकिन फेसबुक आउटडेटेड नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जॉब मिलती है और अच्छी खासी जॉब यहाँ पे से आपको मिलती है। यहाँ आकर आपको अपने सर्च बार पर आना है और यहाँ आपको सर्च करना है वर्चुअल असिस्टेंट्स। आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे, वर्चुअल असिस्टेंट देखना है और आपको ग्रुप ढूंढने हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप वर्चुअल असिस्टेंट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि कुछ यहाँ पे ग्रुप आपको मिलेंगे। देख सकते हैं कि पहला ग्रुप जो मेरे पास आया है वो ये वाला आया है। तो आपको इसमें सबसे पहले जाके देखना है कि इन्होंने लास्ट पोस्ट कब किया था। तो देखिए इनका जो लास्ट पोस्ट हुआ था वो 3 फरवरी को हुआ था। क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो ये रेगुलर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इनसे आपको बात नहीं करनी है, इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना है, इनसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करना है। आपको ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो दोस्तों वो जो परमानेंट अपडेट करते हैं, परमानेंट चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको आना है और फिर यहाँ पे आपको वर्चुअल असिस्टेंट टाइप करिए। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट टाइप करके एंटर किया। अब एंटर करने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है कि इसमें ग्रुप में जाना है। ये ग्रुप का यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सर्च एंड फिल्टर कर सकना है, ग्रुप कर लेना है। ग्रुप में आपको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप मिल जाएंगे, तो एक एक करके इन सभी ग्रुप को आपको देख लेना है। चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाले एक ग्रुप को देख लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट टैब में खोल के देख लेते हैं। एक दो और ग्रुप हम देख लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट वाले, यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर लिया है और एक इसको भी देख लेते हैं। तो 3 ग्रुप देखते हैं, देखते हैं क्या ये रेगुलर अपडेट करते हैं। अगर रेगुलर अपडेट वाला कोई भी आपको ग्रुप मिलता है दोस्तों, जो कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, जॉब या कोई अपने थॉट्स। देखिए ये तो पुराना वाला ही खुला, यानी इसमें हम नहीं जाएंगे, इसको सीधा हम कैंसिल कर देंगे, दूसरे देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ भी ये खुल के आ गया है और नीचे देखते हैं कि ये पोस्ट कब कब कर रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने 14 मार्च को पोस्ट किया है, देख सकते हैं, असाइनमेंट राइटिंग एंड रीटाइपिंग ऑन यूके कंसल्टेंट पेपर, आई नीड 25 रिमोट वर्कर फॉर असाइनमेंट कॉपी एंड राइटिंग। देख सकते हैं कि इन्होंने 14 मार्च को अगर ये किया है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि ये थोड़ा रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। तो आपको सिंपली जिस बंदे ने इसको अपडेट किया है उसकी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों इसको पर्सनल टेक्स्ट आपको करना है। मतलब क्या करना है कि जैसे नॉर्मल यहाँ पे कमेंट आपको नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे 338 लोगों ने कमेंट करा, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको पर्सनल मैसेज करना है, ठीक है ना। आप और भी जैसे आप देखेंगे 2 दिन पहले ये अपडेट हुआ है, आई नीड फ्रीलांसर हु कैन रीटाइप डॉक्यूमेंट इनटू एमएस वर्ड। कोई ऐसा बंदा जो डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में टाइप कर सके, जो कि एक सिंपल सा काम होता है दोस्तों। तो यहाँ भी आपको सिंपली यही करना है कि जिस बंदे ने इसको पोस्ट किया है आपको सिंपली उसको कॉन्टेक्ट करना है, उसको मैसेज करना है, ठीक है ना। दूसरे ग्रुप अगर वो देख लेते हैं ये खुला है कि नहीं, देख सकते हैं कि ये वाला ग्रुप 1 नवंबर 2022 को हुआ है, तो इस पे आपको नहीं करना है। लास्ट अपडेट सबका देखते रहना है दोस्तों, पुराना ग्रुप में आपको बात नहीं करना है। जो नए ग्रुप आपको मिलते हैं उसका जो मेन बंदा जिसने वो चीज डाली हुई है, वो जॉब डाली हुई है, देखो लुकिंग फॉर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, आप सीधा इसको जाके कॉन्टेक्ट करो। कॉन्टेक्ट करने के बाद दोस्तों इससे बातचीत बढ़ाओ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो। देखिए जो बाहर का जॉब जब भी होता है, जो बाहर का काम जो भी होता है, उसके लिए आपको ना एक अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पर जा सकते हैं, जिनको पोर्टफोलियो नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, गूगल पर टाइप कर सकते हैं पोर्टफोलियो मेकर। पोर्टफोलियो मेकर पे आप जाएंगे और यहाँ से आप फ्री में पोर्टफोलियो बना सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। जिस भी जॉब से रिलेटेड आप अप्लाई यहाँ कर रहे हो, जो भी वर्चुअल असिस्टेंट का काम है उसको अगर आप अप्लाई कर रहे हो, वैसा आप झूठ भी बोल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रीचेक नहीं करते हैं और ना ही इस पर उतना गौर करते हैं। आपको यहाँ से पोर्टफोलियो बना लेना है। अब पोर्टफोलियो दिखता कैसा है दोस्तों, देखिए बहुत से लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इंडिया में इतना ये पॉपुलर नहीं है। बस एक पेज टाइप का होता है, आप चाहो तो कैनवा में भी इसको बना सकते हो, कैनवा में भी फ्री में ये बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैनवा खोलकर, जहाँ से आप फ्री में पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कभी कभी ये लोग ना, इसलिए हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है क्योंकि जो ये बंदे हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करते हो, ये आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं कि क्या आपने ये पहले कभी काम करा है। कभी कभी ऐसे भी हमें जॉब निकलते हैं जो फ्रेशर के लिए होते हैं, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ एक्सपीरियंस के लिए मांगते हैं ना,
तो वहां आपको पोर्टफोलियो अपना बना लेना होता है। कोई भी एक फेक सा पोर्टफोलियो बना लो और इनको दिखा दो, आपको काम वहां से मिल जाएगा। तो आप कैनवा पे अगर आएंगे ना दोस्तों, यहाँ पर फ्री में आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपको ये जो सर्च बार यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे आपको बस ये डैश करना है, यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखना है। आपको यहाँ पे सिर्फ पोर्टफोलियो अपना टाइप करना है। जैसे आप पोर्टफोलियो टाइप करेंगे ना दोस्तों, आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, पोर्टफोलियो ऑनलाइन पोर्टफोलियो मिल जाएगा, स्टूडेंट पोर्टफोलियो मिल जाएगा, बहुत सारे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे प्री मेड जो टेम्पलेट्स होते हैं पहले से वो मिल जाएंगे। बस उनको जाके आप थोड़ा सा एडिट कर लिए अपने अकॉर्डिंग, या और भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये सबको एडिट करके यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टफोलियो, और फिर इनको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फायदा आपका ये होता है, क्योंकि इनका मोस्टली जो काम होता है वो आवर वाइज होता है, तो यहाँ पे पर आवर आपको पैसे मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने एक दो घंटा काम किया तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर पैसा मिल जाता है। $5-6 भी अगर मिलते हैं तो इंडिया के अनुसार अच्छा पैसा हो जाता है, ठीक है ना, डेली का, ठीक है। तो इससे आप 3000, मैंने बोला इस वीडियो में, आप 3000 से ऊपर भी कमा सकते हो। आपने देखा कि यहाँ पे हर जगह दिया हुआ, आई नीड ए फ्रीलांसर हु कैन रीटाइप माई डॉक्यूमेंट टू एम एस वर्ड फॉर्मेट, जो कि बहुत ही आसान काम है यार। इंडिया में इसके इतने पैसे मिलते नहीं है जितना बाहर हमको मिल जाता है। इस तरीके से आपको फेसबुक से ये काम ढूंढ लेना है। फेसबुक से आप जैसे ये काम ढूंढ लेते हो तो आप ये काम कर सकते हैं। देखिए दोस्त, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप ये काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये एक सेफ एंड सिक्योर होता है। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड भी कोई करे, लेकिन अगर कोई भी आपसे कभी पैसा या इनकम की बात करता है तो उसे कभी पैसा आपको देना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक है ना। अगर पैसा कोई मांगता है तो फ्रॉड है, फिर अपना दूसरा ढूंढिए, उसको छोड़ दीजिए फिर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको काम करना है। बहुत सारे देखोगे ना कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम बहुत ज्यादा मिलता रहता है। तो देखिए अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के अगर हम ग्रुप में जाके देखते हैं ना, ये बहुत मिलता है वहां पे ना। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट मतलब जो लोग अपडेट करते हैं ना Amazon पे सामान वामान जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं उनको लिस्ट करना आता है, थोड़ा सा वीडियो देख के लिस्ट करना सीख लो यार इसमें क्या है। तो नीड वर्चुअल असिस्टेंट देख सकते हो कि Amazon में वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत है। तो आप जिस बंदे ने यहाँ पे इसको पोस्ट किया, इसको जाके कॉन्टेक्ट करिए, इससे बात करिए, अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए और इसको शेयर करिए। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत R&D जब करते हो ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब थोड़ा बहुत करोगे तो आपको काम मिल जाता है। मेरे को मिला है, लोगों को मिला है और आपको भी मिल ही जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना होगा। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा, ताकि मैं उसे और डिटेल में बता सकूं नेक्स्ट टाइम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।